देखिएगा आप कैमरे पे देख सकते हैं कि ये गेमिंग पैड है जिसको मैंने खुद बनाया है। ये देख सकते हो आपकी जैसे जिस जिस डायरेक्शन में मैं अपने फिंगर के थ्रू जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में ये मेरा स्नेक जा रहा है। और हेलो दोस्तों, मैं हूँ पवन, आपका रोबोटिक्स और कोडिंग टीचर। मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ढेरों वीडियोस लाते रहता हूँ, सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप आपकी वॉइस के थ्रू आपकी आवाज़ से आपकी घर की लाइट और फैन को ऑन ऑफ कर सकते हो तो जल्दी देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी जो कि गेम डेवलपमेंट और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पे है तो ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, सो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते रहता हूँ, रोबोट्स बनाते रहता हूँ, सो आज मैं उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आप सब लोग वीडियो गेम्स खेलते हो कि नहीं? उस वीडियो गेम में जो गेमिंग पैड होता है उसको खेलने में कितना मज़ा आता है जॉयस्टिक की हेल्प से, तो सेम चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने खुद का एक गेमिंग पैड बनाया है। जी हाँ, मैंने खुद का एक गेमिंग कंसोल गेमिंग पैड बनाया है, सो जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो ये देखिएगा आप कैमरे पे देख सकते हैं कि ये एक गेमिंग पैड है जिसको मैंने खुद बनाया है। सो ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक LED स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको आपका जो भी गेम प्ले है वो दिखेगा, और फिर ये जॉयस्टिक है, इसकी हेल्प से आप आपके गेम को कंट्रोल कर सकते हो। और ये आगे से जितना सिंपल दिख रहा है पीछे से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारी वायर्स दिख रही होंगी, बट आपको अंदर ये इसके अंदर जो दिख रहा है ये आर्डिनो ब्रेन है। जी हाँ, इस रोबोट का, इस गेमिंग कंसोल का जो दिमाग है ये ब्रेन आर्डिनो है। सो मैंने आर्डिनो पे अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो उसके साथ में ये वायर्स लगी हुई है, और फिर उसके बाद में ये आपको दिख रहा होगा ये बैटरी है, ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। सो ये मेरे पीछे का हार्डवेयर है, अब कर सकते हैं। सो मैंने अभी एक इसमें बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम जो कोड करके रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पावर से कनेक्ट किया यहाँ पे एक डॉट आ गया। सो बेसिकली यहाँ पे अब स्नेक गेम चलेगा। सो स्नेक गेम कैसे होता है, सेम मैनर में ये यहाँ पे भी चलेगा। ये देख सकते हो आपकी जैसे जिस जिस डायरेक्शन में मैं अपने फिंगर के थ्रू जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में ये मेरा स्नेक जा रहा है। और जैसे ही मेरा स्नेक ये फ्रूट को खा रहा है, ये दाने को खा रहा है, ये स्नेक की जो साइज है, सांप की साइज, वो बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके से हम गेम खेल सकते हैं, बट अब थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे स्नेक की साइज बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगर मेरा स्नेक टच कर देता है तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। ये देखिए, मेरा स्कोर 6 आ गया और साथ में ये गेम ओवर लिखा हुआ भी आ रहा है। सो और जैसे ही गेम ओवर आ गया वैसे ही आपका ये फिर से गेम रीसेट हो गया और फिर से आप खेल सकते हो। सो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली गेम खेलते रह सकते हो, और अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप उस बैटरी को निकाल के बदल भी सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे गेम्स प्रोग्राम कर सकते हैं। सो कैसा लगा मेरा वीडियो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।